अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक कैंसर सर्जन और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी के पेशेंट में और एस्थेटिक गायनेकोलॉजी में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वेट गेन की क्या वजूहत हो सकती हैं और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और आप अपनी डाइट से या अपनी रूटीन चेंज करने से कैसे उसको वापस एक नॉर्मल वेट में आ सकते हैं। डेफिनेटली वेट गेन हमारी कम्युनिटी में एक डायलेमा एक्सेप्ट किया जाता है और हर बंदा चाहता है कि जी किसी तरह उसका वेट नॉर्मलाइज हो जाए। वेट गेन होने के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हैं, इसके फिज़िकल इफ़ेक्ट भी हैं, इसकी वजहें बहुत सारी हैं। हो सकता है कि एक पेशेंट जेनेटिकली ऐसी इशू हो कि उसकी फैमिली में ओबेसिटी हो, या मोस्टली पेशेंट जो होते हैं जो ओवरवेट होते हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से होते हैं या फिर अनहेल्दी डाइट की वजह से होते हैं। अगर आपकी डाइट बैलेंस होगी, उसमें एक प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन होगा, फैट होगा, इवन अ लिटिल बिट ऑफ फैट, गुड फैट, और इसके अलावा ग्रीन वेज होंगे, फ्रूट्स होगा, तो वो वेट गेन नहीं करता। पहले हम आते हैं कि क्या ऑर्गेनिक कॉजेज़ हो सकती हैं जिसमें वेट गेन होता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें से वेट गेन होता है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, गले में गुदूद होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी, पेशेंट कहती है डॉक्टर साहब मैंने इतना खाया भी नहीं है, स्टिल मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मैं खाती भी नहीं हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, बट स्टिल आई एम गेनिंग वेट। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसमें पेशेंट वेट गेन करती है। ये तो हमारे ऑर्गेनिक कॉजेज़ हो गए, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वज़न बढ़ने से अगर आपकी किसी बीमारी की वजह से बढ़ा या आपकी इम्प्रॉपर ईटिंग की वजह से बढ़ा या जेनेटिकली था, कोई भी वजह थी, ये बेसिकली बहुत सारी डिजीज़ को अपने साथ लेता है। जैसे ओबीस पेशेंट जो होते हैं ये मोर पी डिस्पोज होते हैं कि उनको आगे जाके शुगर हो जाए। हो सकता है उनकी फैमिली में किसी को शुगर ना हो, मगर हो है उनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शायद उन्हें शुगर हो जाए या वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाए। फीमेल में वो खवातीन जिनका वज़न बड़ा होता है, हमारे कट ऑफ है उतना होना चाहिए। इसकी वजहें जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डिजीज़ भी हो सकती है, कोई जेनेटिक कॉज भी होती है, बट यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर हम साइड पे कर दें, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है वेट गेन की, हमारी इम्प्रॉपर डाइट है या हमारा जो बिहेवियर है, हमारा अगर सेडेंटरी बिहेवियर है, हम ज़्यादा काम नहीं करते, हम ज़्यादा अपने आप को वर्कआउट नहीं करते, उस कंडीशन में भी आपका फैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जी अगर हम ओबीस हो गए तो हम अपने वज़न को कैसे रिड्यूस करें, क्या डाइट ऐसी लें, हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या गज़ा है, इंटरमीडियंट फास्टिंग क्या होती है, क्या वो रियली आपको हेल्प करती है। अब बात ये है कि वंस यू आर ओबीस, यानी कि आपका वज़न सर्टेन बीएमआई से ऊपर है और आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप ओबीस काउंट होते हैं, अब अपने वज़न को कैसे रिड्यूस करना है। बहुत सारी डाइट हैं, खाने की मिकदार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि क्या आप डाइट में ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गज़ाएँ हैं जो वेट को कम करती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे लेग्यूम्स हैं, इसके अलावा फिश प्रोटीन, स्पेशली सैल्मन फिश, दैट्स वेरी गुड, और ये इनफैक्ट आपकी वेट कम भी करती है। इसके अलावा आपका मटन है, मतलब हीम प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ हीम प्रोटीन आपका वज़न भी कम करेंगी। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर, आप जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे वो वज़न आपका कम करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि कुछ फीमेल जो हैं वो बल्क ऑफ ग्रीन टी पीती हैं, वो समझती हैं कि जी इससे मेरा बॉडी का वेट फास्टली कम होगा। यू शुड रिमेंबर जी जो भी किस्म की टी है वो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी को डिपेंड करता है कि आपने क्वांटिटी क्या ली है, डिहाइड्रेट भी करती है। आपने अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है। इफ़ यू कैन नॉट टेक पानी बहुत ज़्यादा तो ठीक है कुछ फ्रेश जूसेस ले लें, प्योर फ्रेश जूसेस, वो जूसेस नहीं जो बॉक्सेस में आते हैं, आर्टिफिशियल जूस नहीं लेना है। इवन वो भी फ्रेश जूस नहीं जो पैक में होते हैं, आप उसी वक्त फ्रेश जूस निकालें घर में या निकलवा के मंगवाएं और उसको पिएं, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ फ्लूड, वो आपको हाइड्रेट करेगा। जितना आप पानी पिएंगे, जितना आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी डाइट पे उतना ही अच्छी मेटाबोलाइज होगी और आपका वज़न फास्टली कम होगा। पानी आपके वज़न को बैलेंस रखता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर योगर्ट, वेरी गुड रूल,
योगर्ट बॉडी की मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन को इन्हेंस करने में और वज़न कम करने में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये वो डाइट है कि जिसको आप अगर अपने रोज़ाना रूटीन में रखें, एग प्रोटीन इज़ वेरी गुड, मैंने आपको बताया मटन है, सैल्मन फिश है और जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, अगर आप अपनी डाइट में इन चीज़ों को एक बैलेंस बना के लें तो इट हैव गॉट अ वेरी गुड रोल कि वो आपके वज़न को कम करें। गज़ा के अलावा और क्या चीज़ें होंगी जो आपके वज़न को कम करेंगी? इसमें आपका वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और वर्कआउट को इंशाल्लाह अपने जो नेक्स्ट हमारी आपके साथ बातचीत होगी उसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। मेरा नंबर आप मेरे चैनल पे लिखा हुआ है, इसकी कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मुझे विजिट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।